हेलो डियर व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ भोले बाबा जी के एक प्रसिद्ध मंदिर में, जहाँ पर आपको भोले बाबा के साथ साथ माता जी की भी दिव्य दर्शन करवाएंगे। चलो भक्तों, चलते हैं उस मंदिर की ओर। और हम यहाँ जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर में, और साथ मेरे आ चुकी हैं दीदी, ये भी साथ हैं हमारे। और इस समय हम पहुँच चुके हैं नलाई के प्रवेश द्वार के सामने। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है यहाँ नलाई का, इसके गेट के सामने पहुँच चुके हैं। और व्यूअर्स, पहुँचे हैं हम नंदाखाल विद्यालय के सामने। ये पहुँच चुके हैं हम कलशिखाल बाजार। जैसे ही हम कलशिखाल मार्केट से आ गया है, तो यहाँ पे एक निर्माणाधीन काफ़ी भव्य बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पर है। व्यूअर्स, पहुँच चुके हैं हम खैरालिंग महादेव के प्रवेश द्वार में। और यहाँ से जो पैदल चलना चाहे तो जो है 800 मीटर की डिस्टेंस है। यह मंदिर का संक्षिप्त जो विवरण इस पट पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए व्यूअर्स। और देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी है चारों तरफ। पहुंच चुके हैं हम मंदिर के काफी नजदीक। खैरालिंग महादेव का संक्षिप्त विवरण देखिए भक्तों। और हम खैरालिंग महादेव के मंदिर में, जैसे ही हम मंदिर के समीप जाते हैं, तो इसका बड़ा ही आकर्षक नज़ारा दृश्य दिखाई देता है। सर्वप्रथम यहाँ पर नंदी महाराज, नंदीश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान। और बड़े बड़े घंटे देखिए। ओम नमः शिवाय, जय खैरालिंग महादेव। देखिए कितने बड़ा घंटा यहाँ पर टंगे हुए हैं। भक्तों, यहाँ पर खैरालिंग महादेव मंदिर में सर्वप्रथम माँ महाकाली देवी जी का मंदिर प्रांगण आप देखिए। नंदीश्वर महादेव से जो है प्रवेश करके हम जा रहे हैं भोले बाबा जी के मंदिर के अंदर, जहाँ पर कि सर्वप्रथम आपको जो है हम गणेश जी के दर्शन कराएंगे, जो कि गणेश जी यहाँ पर पिंडी स्वरूप हैं। और यहाँ पर निराकार रूप में भोलेनाथ जी विराजमान लिंग स्वरूप। और यहाँ पर भोलेनाथ जी साकार और माता पार्वती के साथ शिव शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान प्रतीक चिन्ह के रूप में त्रिशूल डमरू। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्राचीन मूर्ति। ये दत्तात्रेय जी ब्रह्मा जी हैं ये। और यहाँ पर हनुमान जी हनुमान मत है नम। भक्तों, आप भी माता जी के, भोले बाबा जी के, ब्रह्मा जी के और हनुमान जी के दिव्य दर्शन कीजिए। अपने यातना ये तो भगवान से कामना कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव।
देखिए व्यूवर्स कितने अच्छे फ्लावर्स हैं इधर, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग की गई है, काफ़ी अच्छे देखने में मन को हर्षित करने वाले। ये देखिए मेरा आगे पीछे इधर भी है, इस तरफ भी है। आई होप व्यूअर्स आपको यह करलिंग महादेव का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो इस मंदिर में आकर के भोलेनाथ और माता जी से आशीष ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।